यीशु मसीह की जय हो। हम एक बार फिर इस नए साल में आपसे हम एक दूसरे से मिल रहे हैं इस जूम या फेसबुक के प्लेटफॉर्म के द्वारा। हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। हम खुदा के नाम, यीशु मसीह के नाम, हम उनकी महिमा करने के लिए इस वक्त हम सब एक मिलकर एक मन से एक तन से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं हम सब। कभी कभी जिंदगी में हम कहते हैं कि जब एक सब जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अरे यार प्यार तो अंधा होता है, देख कैसा होता है। इसी प्रकार प्रभु ने हमसे प्यार किया, उन्होंने हमसे गहरा प्यार किया। उनका प्यार, वो खुद अपनी बड़ाई नहीं करता, वो सब कुछ सहता है, वो सब कुछ बाकियों के लिए करता है, अपने लिए वो कुछ नहीं करता। वही यीशु मसीह का प्रेम। जब दो लोग मिल जाते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा एक प्यार आ जाता है कि वो कहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे ही जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे, जब हम एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो हमें कहना चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं इनके लिए जीऊंगा, मैं उनके लिए मरूंगा। क्योंकि खुद अपना जीवन देखे, प्यार का सबसे बड़ा अर्थ को हम सबको दिखा के उन्होंने हमको जीवन का दान दिया। तो हम मिलके गाएंगे कि प्यार तो अंधा है, वो देख नहीं सकता, पर यीशु आप इस वक्त उनका प्यार, भले ही आप उसको देख ना सके, भले ही वो कुछ कह ना सके, पर आप उसे महसूस कर सकते हैं। और वो आपके जीवन में आपको जीवन को बदला डालेगा, आपको बदला डालेगा। आज जिस भी परिस्थिति में आप हो, उस समय पे, उस चीज पर, उस परिस्थिति पर उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका शांति आ रहा है। हम मिलके गाएंगे एक साथ मिलके। धन्यवाद मेरे खुदा, आपके लिए ही सब कुछ। धन्यवाद। प्यार तो अंधा है, वो देख नहीं सकता, प्यार तो गहरा है, वो सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं पाता, प्यार तो पागल है, कुछ समझ नहीं सकता, प्यार तो अंधा है, वो देख नहीं सकता, प्यार तो बहरा है, वो सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं पाता, प्यार तो पागल है, जब दो प्रेम मिल जाए, जब दुनिया भाड़ में जाए, और उनके प्रेम की कोई समझ नहीं, उस प्रेम से कर ज्यादा है मेरा जीवन दादा, जिसने मेरे लिए अपनी शान मिली, तेरे लिए जीऊंगा, मरूंगा, चाहे दुनिया कुछ नहीं कहे।
दे मुझको ना तेरे पास आऊंगा। प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है वो कुछ बोल नहीं पाता, प्यार तो पागल है वो समझ नहीं सकता, प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है वो कुछ बोल नहीं पाता, तो प्रेम मिल जाए तब दुनिया फाड़ में जाए, और उनको प्रेम की कोई समझ नहीं, उस प्रेम से कहीं ज्यादा है मेरा जीवन दादा, जिसने मेरे लिए अपनी शांति मिली, तेरे लिए जीऊंगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पता नहीं करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मारूंगा, चाहे दुनिया छोड़ दे मुझको तो तेरे पास आऊंगा। प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो बहरा है वो सुन सूरज और चांद सारे सितारे उनके गुणगान गाते हैं, हम एक साथ मिलकर इस वक्त हाथ उठा के उनके गुणगान कर रहे हैं। हमने गाया कि जब दो प्रेमी मिल जाए तब दुनिया भाड़ में जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पूरी तरह से दुनिया से अलग होके जीना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में प्रभु का काम करना है, पर उनके साथ मिलके, उनके साथ एक बन के, जिस प्रकार उनके हृदय है उसी प्रकार हमें बनना चाहिए। उसी लिए पहला चीज बाइबल में इस प्रकार कहा है, जब भी यीशु ने किसी आदमी को किसी तरह के संकट में देखा तो बाइबल इस प्रकार कहता है कि उनके हृदय में उनके लिए बहुत दया और प्यार हुआ कि उन्होंने जाके उनका काम ठीक करके दिया, उनको चंगाई दिया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि उनके हृदय से दया और प्यार उन लोगों की तरफ बढ़ा जो संकट में थे, जो अनर्थ में थे। तो इस वक्त यीशु दादा, मैं आपके अंदर डूबूं ताकि मैं आप जैसा बन जाऊं, ताकि मैं आप जैसा हर दिन बन जाऊं, मेरे हर क्षण में, मेरे हर सांस में मैं आपकी तरह बन जाऊं। हमने पहले भी कहा उनका प्रेम, वो खुद अपनी बढ़ाई नहीं करता, पर जिस दिन से इस धरती का आनंद शुरू हुआ, जिस दिन ये धरती शुरू हुआ, उस दिन से आज तक और इसके बाद कितने भी दिन हम इस धरती पे ये धरती रहेगा, उनका प्रेम था, है और वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम मिलके गाएंगे कि मैं आप में डूबना चाहता हूं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। प
पवित्र आत्मा, हमें आपका सहायता चाहिए, आपकी उपस्थिति इस वक्त हमारे साथ हम चाहते हैं। बदलता नहीं है, तुझ में मैं डूबूंगा प्रभु।
शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, तेरे काम के लिए घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू नहीं ये ख्वाहिश मेरी, घुटनों से, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, स्तुति आराधना यीशु दादा मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू नहीं है ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू है ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में मेरे साथ गाइए, घुटनों से ज्यादा, कमर से भी ज्यादा, आत्मा की नथी के ऊपर मैं आपके अंदर डूबना चाहता हूँ, उनसे दुआ कीजिए, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू ये ख्वाहिश मेरी, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू ये ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू ये ख्वाहिश मेरी, हर पल प्रभु मैं तेरे साथ रहूं, ताकि मैं तुझ सा बन जाऊं। हम जानते हैं कि पिछले साल हमारे लिए, हम सब के लिए एक साथ एक राज्य, सब कुछ एक साथ मिलकर हमारे लिए बहुत मुश्किल था, पर उस वक्त भी प्रभु का प्रेम हमारे साथ था, उनकी उपस्थिति, उनका दया, उनका शांति हमारे साथ था, हर वक्त हर क्षण वो हमारे साथ था, इस नए साल में भी वो हमारे साथ है, पर इस साल पिछली साल से भी बढ़कर, उससे भी अधिक प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं,
हम सब जानते हैं कि अब हमारे सामने वक्त बहुत कम है और ऐसे कठिनाई हमारे जीवन में इस दुनिया में और भी आते रहेंगे। उस वक्त हम एक साथ मिलकर एक विश्वास के साथ हमें कहना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि भावर के बीच में तू कहता है उठ जा, वो हमारे ताकत है। बीमारियों में वो कहता है कि सब कुछ साथ है, अपने बीमारी से उठ क्योंकि मैं हूं तेरे साथ। हे यीशु मसीह, आपके नाम में गाऊं सुबह हो शाम, हर दिन हर पल मैं आपकी उपस्थिति मेरे साथ चाहता हूं। आपके बगैर हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने वाला और कोई नहीं है, आप ही है हमारे जीवन दाता। हम मिलके गाएंगे कि वो हमारे साथ है हर वक्त, कल था आज है और मेरे जीवन के अंत तक वो रहेगा मेरे साथ। मिलके गाएंगे, तू ही मेरी छटा।
वो एक चट्टान की तरह बढ़ते हुए लहरों की जब लहरें लहरों आपके ऊपर हमारे जीवन में आते हैं, वो एक चट्टान की तरह उनके सामने खड़े होकर हमको बचाता है। उड़ते हुए उफानों में शस्त्र ना बना जो कर सके ना तेरा सामना। इस बात के ऊपर आप विश्वास करें, आप यकीन करें कि जब शैतान कुछ भी शस्त्र या कुछ भी कठिनाई आपके जीवन में लेके आते हैं, ये समझ लो कि ये मेरा सामना, ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके धन्यवाद करते हैं। इस वक्त तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ था, जब हम आपके वचन से सुनने जा रहे हैं। प्रभु, आपके दास को अपने हाथों में लेके अपना काम कीजिए। उनके मुंह से जो वचन आ रहा है वो हमें जीवन दे, वो हमारे जीवन को बदल डाले, हमारे अंदर नया सोच नई जान डाले। यीशु मसीह के नाम से हम आपसे दुआ करते हैं, आमीन।